सो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया वर्सेस कतार के वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मैच के बारे में। जी हां भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, लास्ट मैच में कुवैत को हम बीट कर चुके हैं, जो कि अवे विक्ट्री इंडियन फुटबॉल टीम की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विक्ट्री है। 1-0 की हम विक्ट्री ले चुके हैं कुवैत के, जो कि 147th रैंक है फीफा रैंकिंग में। जी हां भाइयों, बहुत ही शानदार स्टार्ट हुई है वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैचेस की। इसी के साथ साथ जो हमारा बिगेस्ट टास्क होने वाला है, वो होने वाला है 22 नवंबर को भुवनेश्वर में। जी हाँ भाइयों, कतर के अगेंस्ट हमारा होने वाला है सेकेंड मैच, जो कि बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग मैच होने वाला है। सो भाइयों, फर्स्ट टाइम बात कर लेते हैं कतर टीम के बारे में, जिनकी करंट फीफा रैंकिंग है 61। जी हाँ भाइयों, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करती है एशिया में। इसी के साथ साथ उनकी लास्ट विक्ट्री है अफगानिस्तान अगेंस्ट, जो कि 8-1 की विक्ट्री है। जी हाँ, बहुत ही बड़ी विक्ट्री है। इसी के साथ साथ उनके मेन प्लेयर अली ने 4 गोल मारे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पुश देगा कतर जैसी टीम को अगेन स्कोर करने के लिए। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि लास्ट टाइम इंडिया ड्रॉ खेल चुकी है कतर के अगेंस्ट इंडिया में ही, जो कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट था और चेंज करा इंडियन फुटबॉल को लास्ट ईयर में। सबसे इंपॉर्टेंट बात होने वाली है आईओसी मैच का क्या प्लान होने वाला है, कौन कौन से मेन प्लेयर होने वाले हैं उनके इस लाइनअप में जो होने वाला है 22 नवंबर को। जी हाँ भाइयों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। आप सबकी प्रेडिक्शन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जा रहा हूँ 0-0 ड्रॉ के साथ, जो कि एक बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट होगा इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री में। सबसे मेन होने वाला है हमारी डिफेंसिव परफॉर्मेंस, जिसमें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा बैक लाइन का, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा मिडफील्ड को भी। जी हाँ भाइयों, थैंक यू सो मच।